नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। क्षेत्र के एक गांव निवासी का विद्युत कनेक्शन 6 वर्ष से कटा होने पर भी बिल बढ़ रहा है, जिसकी पीली रसीद उपभोक्ता के पास है। 3 बार से संपूर्ण समाधान में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन नहीं हुई कोई सुनवाई। थाना क्षेत्र के अंतर्गत इकरार पुत्र अबरार निवासी ग्राम पंचायत सहता सन 2017 में बांगरमऊ विद्युत विभाग के बड़े जसवंत बाबू ने 13,000 रूपए लेकर 5895 रूपए की पीड़ी रसीद थी। उसके बाद कनेक्शन कार्ड का मीटर साथ ले गए। तब से उपभोक्ता सोलर पैनल से रोशनी का काम चला रहा है। पिछले 6 वर्ष से कटा चल रहा है। फिर विभाग के द्वारा 4 दिसंबर 2021 को प्रार्थी को 52,553 का नोटिस भेज दिया गया। तब प्रार्थी ने संपूर्ण समाधान दिवस तहसील सफीपुर में प्रार्थना पत्र देकर अवगत करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके पश्चात प्रार्थी चक्कर काट रहा है। प्रार्थी का आरोप है कि विभाग के कर्मचारी फोन पर झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया है, लेकिन प्रार्थी ने जानकारी की तो बिल बढ़ रहा है। प्रार्थी ने बताया कि विद्युत स्टेशन से किसी कर्मचारी ने फोन धमकी दी है कि अब प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस से पकड़ा देंगे, जो कि प्रार्थी डरा और सहमा होते हुए आज फिर अपनी समस्या को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम इकरार है। क्या क्या परेशानी है? हम 2017 में बिल कराया था, अपना कनेक्शन करा दिया था, और जब से हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। 4 बार तहसील दे चुके हम लोग, पैसे दिए उसमें, हमारा कोई समाधान नहीं दिया था। और ऊपर से फोन आते जो आपका समाधान कर दिया गया है और आपके कनेक्शन के लिए वो आ चुकी है पीडी, और अभी तक कोई नहीं दिया, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और हम प्रयास करते हैं भेज दे, और धमकी दिया थी मुझे फोन के लिए कि अगर आप दरखास्त देने आएंगे तो आपसे पुलिस को पकड़वा देंगे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।